दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव के बहादुरी के कुछ किस्सों के बारे में। दोस्तों कारगिल वॉर टाइगर हिल की सबसे बड़ी और क्रिटिकल लड़ाई थी। उस लड़ाई में सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव का सबसे बड़ा योगदान रहा और दोस्तों इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों यह देश के सबसे युवा नौजवान हैं जिन्हें सिर्फ 19 साल में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों यह कहानी है 1999 जब कारगिल वॉर स्टार्ट हुई थी। उस समय टाइगर हिल को लेकर हमारे सैनिक काफ़ी परेशान थे क्योंकि टाइगर हिल की चोटी अगर हमारे कब्जे में नहीं आती तो शायद हम कारगिल युद्ध हार जाते। उस समय वह ग्रेनेडियर यूनिट में तैनात थे। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव उसी यूनिट के थे। टाइगर हिल की खड़ी चढ़ाई वह भी बर्फ़ से ढकी हुई और उस समय सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव ने अपने लीडर को क्या बोला कि मैं चढ़ जाऊंगा इस पहाड़ी पर। उस समय लोगों ने सोचा यह लड़का अकेला 16,500 फुट बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ी और वह भी खड़ी पहाड़ी। एक्चुअली उस समय पाकिस्तान भी तैयार नहीं था। दूसरी तरफ जो प्लेन से ऊपर आते हैं तो वहाँ पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन एडवांटेज था पाकिस्तानी सेना के पास। कोई नीचे से सामने आता तो उसे उड़ा देते, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं कि पीछे से भी खड़ी पहाड़ी से कोई आ सकता है। और वहीं से इन्होंने वॉलंटियर किया और अपने कुछ साथियों को लिया। दूसरी तरफ सुबह 4 बजे कंफ्यूज करने के लिए फायरिंग हुई तो सेना का ध्यान वहां गया। पाकिस्तान की सेना बड़ी स्मार्ट थी, उन्होंने बोला पीछे जाकर देखो कवर करने के लिए, पीछे कोई तैयारी तो नहीं। और योगेंद्र सिंह यादव का उस समय 60 फुट बाकी था कि ऊपर से पाकिस्तान की सेना को पता लगा तो इनके ऊपर गन फायर करना शुरू कर दिया और एरियल गन फायर से 3 गोली कंधे पर जा लगी। ये वहाँ रात के समय बर्फ के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखे और धीरे धीरे चढ़ते रहे। रात भर धीरे धीरे चढ़ते रहे और ऊपर चढ़ गए और चढ़े ना केवल, उसके बाद पहला ग्रेनेड फेंक कर दुश्मन के बंकर को उड़ा दिया, दूसरा ग्रेनेड फेंक कर दूसरे बंकर को उड़ा दिया। इतने में सेना की हमारी दूसरी टुकड़ी वहाँ आ गई उनको सपोर्ट करने के लिए। दूसरे राउंड में लड़ाई चालू हुई, 16 गोलियाँ लग गई। 16 गोलियाँ लगने के बाद पूरा शरीर छल्ली छल्ली और ये वहाँ क्या बोले, दुश्मन को मारने से पहले अगर मुझे मौत आ गई तो पहले मौत को मौत के घाट उतार दूंगा। दोस्तों परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव के ऊपर ऋतिक रोशन ने एक मूवी भी बनाई थी अमिताभ बच्चन के साथ, लक्ष्य। और वह लक्ष्य मूवी में ऋतिक रोशन ने उन्हीं का रोल निभाया था। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अपने विचार कमेंट में लिखना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।